सारे धांधलेबाजी चल रही है, सब पैसे वाले ने सब कुछ करा रखा। पहले भी मैं फौज में नौकरी कर कर आया हूँ, वहाँ भी देश सेवा कर कर आया हूँ, और यहाँ पर जो है वो होता तो मैं जो कर नहीं सकता। मर्जी हो रही हमारी गैल तो सरकार के आदमी साथ लेके HVPN वाले उन्होंने, और यहाँ पे हमारे इनको खेतों को खराब करने, फसल भी नष्ट खराब करने के लिए यहाँ गेंट्री बनाना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं भुवन पिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज किसान धरने पर है, देश विदेश की नजर इस आंदोलन पर है, लेकिन जिस डर की वजह से ये किसान आंदोलन पर है, कहीं उनकी जमीन प्राइवेट कंपनियों के हाथों की जागीर ना बन जाए। लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि एक प्राइवेट कंपनी की दादागिरी या यूं कहें कि प्रशासन की मिलीभगत का मामला सामने आया है। जी हाँ, गुरुग्राम के सकतपुर गांव की जमीन पर स्टरलाइट कंपनी द्वारा बिजली घर बनाया गया है। अब किसानों के खेतों से बिजली की तारें गुजारने व टावर बनाने के लिए कुछ राशि उन्हें ऑफर की जा रही है। जमीन को बेटा यो ही है, आखो ठड मर्जी हो रही हमारी गैल तो। हमने नू पतो होतो कि एक खम्बो को डेगो तो हम भी कुछ ना कहता है। इब हमने यो ही कही है कि तुम्हारी ने खरीद दो, और ना खरीद दो तो नहीं इकबार करो। इमारत यो एक खेत ही बता, हमारा बाड़ क्या का लगेगा। तो कल ने ट्रैक्टर ले आऊँगा, ट्रैक्टर नहीं कुछ है, और काम करन बढ़ेगा, पानी देगा, करंट आज वहीं आदमी खत्म है। लेकिन किसान परिवार का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके खेत से 20 फीट ऊंची तारों के लिए लगभग 12 टावर बनाए जाने हैं, जिससे कि जमीन खेती करने लायक ही नहीं रहेगी, ट्रैक्टर भी खेत से नहीं जा पाएगा, तो ऐसे में वह अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। मेरा नाम श्री भगवान है जी। हमारे 2 एकड़ जो है बिल्कुल खराब हो रहे हैं, तो उसमें जोत बो नहीं हो सकती। अगर हम कर भी सकेंगे तो उसमें करंट लगने का डर है, क्योंकि उसकी हाइट जो है 25 फुट है ऊपर। तो गांव का नाम जो है ठीक लिया है हमारा, लेकिन ये ज़मीन जो है गैरसपुर बास में आती है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको इक्वायर करे, या तो कंपनी 3 एकड़ के हिसाब से वहाँ जो है 3 करोड़ के हिसाब से ले रखी है, उसके हिसाब से हमारे को जो है मुआवजा दिया जाए। ये हमारे को जो हमारे बाप दादा की है जी। पहले भी मैं फौज में नौकरी कर कर आया हूँ, वहाँ भी देश सेवा कर कर आया हूँ, और यहाँ पर जो है वो होता तो मैं जो है कर नहीं सकता। इस किसान परिवार का कहना है कि अगर उनके खेत से ये तारे गुजारना इतना ही जरूरी है, तो उनके खेतों को सरकार या निजी कंपनी सरकारी दामों पर एक्वायर क्यों नहीं कर लेती, ताकि वह कहीं और जगह जमीन लेकर अपना गुजारा कर सके। जो ये जमीन है, ये हमारे 2 एकड़ जमीन है, इसी से हमारी खेती बाड़ी चल रही है, हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है कमाने का। और ये जो प्राइवेट बिजली बोर्ड है, जो मैंने बताया स्टारलाइट पावर हाउस प्राइवेट लिमिटेड है ये, ठीक है, तो इसका आनंद अग्रवाल ओनर है, और सरकार के आदमी साथ लेके HVPN वाले उन्होंने, और यहाँ पे हमारे इनको खेतों को खराब करने, फसल भी नष्ट खराब करने के लिए यहाँ गेंट्रियाँ बनाना चाह रहे हैं। इससे हमें ये नुकसान होगा कि हमारे पास यही ज़मीन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास नहीं कोई आमदनी का सोर्स है, और ज़मीन 6 करोड़ की है, मुआवजा दे रहे हैं 10 लाख रुपए। हमने चंडीगढ़ कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, गुड़गांव में उन्होंने 2 बार हमारा डिसमिस करा दिया। ये एक मैम उन्होंने ये घुमा के, ये जो लाइन है वो सीधी बिजली बोर्ड के वहाँ से उधर से जानी थी, और ये लाइन सीधी ऐसे घुमा के तिरछी, आपसे मैंने जो मैप दिया उसमें सारे खम्बे वाइज किले नंबर वाइज सब कुछ पे गोड़दारा लग रहा है, सारे धांधलेबाजी चल रही है, सब पैसे वाले ने सब कुछ करा रखा है, लाइन भी तिरछी उन्होंने करवाई है। DC के पास मैंने 2 बार कंप्लेंट ली है, उसके कोई वही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 बार मैंने जाके पूछ लिया है, कोई उसका मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिला वहाँ से कुछ भी। CM विंडो में 2 बार लगे, एक बार मैं खुद चंडीगढ़ गया, मेरे पास कागज भी रखे हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरे को एक लड़का मिला जो CM के नीचे काम करता है, बुद्धप्रिय नाम उनका, उन्होंने मेरे से कहा भाई साहब तेरे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, और वहाँ भी उसने मेरे को बताया प्राइवेट लाइन है ये, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं करवा सकते, मेरे तो हाथ में 10-15 लाख रुपये बढ़वाने हैं इसमें, वो तू कहे तो मैं अभी फ़ोन करवा दूँ यहीं से ही। मैंने उनको मना कर दिया कि हम इतने में संतुष्ट नहीं है, बाकी हमारी ज़मीन बिल्कुल ख़त्म है। हमारी ज़मीन अगर ये गवर्नमेंट काम बताते हैं इसको तो इक्वायर करके ले लो, नहीं तो हमें बिजली बोर्ड के रेट के पैसे दो। 9x9 का एक खंबा है, और खंबे में 50 फुट की दूरी है, हाइट है उसकी 20 से 25 फुट, जिसमें हमारे ट्रैक्टर वैक्टर कोई भी काम खेती बाड़ी कुछ भी नहीं होगा, फुहारे वुहारे कुछ नहीं चलेंगे। ये बड़ी वाली लाइन है, ये भी दिक्कत कर जाती है, कभी कभी पेड़ों में भी आग लगा देती है। लेकिन बात गुरुग्राम DC की करें या बात CM विंडो की करें, तो किसी भी जगह इनकी गुहार या इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।
भले ही जय जवान और जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन सेना में देश की सेवा करने के बाद खेतों में हल बा रहे जवान और किसान को भी प्राइवेट कंपनियों की दादागिरी के समक्ष घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मेरा नाम धर्मपाल है जी। अजी ऐसा है जी, मोदी जी तो कह रहे हैं प्राइवेट लोग जो है जमीन को नहीं लेंगे, और ये तो कार्रवाई अभी से चालू हो गया। हमारे तो जो है जमीन के ऊपर यहाँ आकर कभी फोर्स आती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, हमारे बच्चों को दुखी कर रखा है, हमारा जीना दुर्भर कर रखा है। बिल्कुल कति हम तो बिल्कुल कति मौत के मुँह में डाल दिए। तो क्या माना जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी के मालिकों की सरकार में ज्यादा पकड़ है? क्या कोई किसान नेता या संगठन या सरकार इस परिवार के खेतों को बचाएगा? क्या सिर्फ आंदोलन तक ही सिमट जाएंगे किसानों के फायदे, या फिर मिलेगा इस किसान और फौजी परिवार को इंसाफ? इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।